नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चुनाव जीतने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से करीब 25 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान फोन कॉल में उद्योगपति एलन मस्क भी जुड़े थे। जेलेंस्की ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने यूक्रेन को समर्थन देने की बात कही है। उधर ट्रंप ने अभी तक पुतिन से बात नहीं की है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गुब्बारों में कचरा भेजने के बाद अब किम जोंग उन ने नई हरकत की है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने GPS जैमिंग हमले को अंजाम दिया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने तुरंत इन हरकतों को बंद करने का आग्रह उत्तर कोरिया से किया है। GPS जैमिंग की वजह से बड़ी विमान दुर्घटनाओं की आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश प्रदेश से बधाइयां दी जा रही हैं। वहीं इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देना और उनके लिए भारी पड़ गया है। उन पर अपनी ही सरकार के दौरान बनाए गए कानूनी नियमों के उल्लंघन का आरोप लग गया है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक्स को पाकिस्तान ने प्रतिबंधित किया है। ये बैन खुद शहबाज शरीफ की सरकार ने लगाया था। हालांकि शहबाज की तरफ से एक्स पर पोस्ट ने अब उनके लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू महासभा मंदिर पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि कनाडा में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा करने वाले सिख और हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ट्रूडो ने ये भी बात स्वीकार की है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक है। अमेरिका के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ रिश्ते बढ़ाना एक अहम उपलब्धि रहा है। ये कहना है अमेरिका के मौजूदा रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन का। उन्होंने शुक्रवार को डेमोक्रेट पार्टी के नेता के व्हाइट हाउस में रहने के दौरान कुछ अहम फैसलों और उपलब्धियों को गिनाया। इनमें नाटो को मजबूत करना, यूक्रेन को मदद दिलाने के लिए 50 देशों को साथ लाना शामिल है। ऑस्टिन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के काम को बेहतरीन करार दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका होने की बात सामने आई है। क्वेटा के रेलवे स्टेशन के पास हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 24 लोगों की मौत हो गई है और 40 घायल हैं। ये घटना बलूचिस्तान में अशांति की ताजा घटना है। ये विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ है। अमेरिका के न्याय विभाग ने ट्रंप को मारने की विफल ईरानी साजिश में आपराधिक आरोपों को उजागर किया। मैनहट्टन में अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया कि ईरान के अर्धसैनिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक अधिकारी ने पिछले सितंबर में एक व्यक्ति से ट्रंप की निगरानी और मारने की योजना बनाने के लिए कहा था। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ ने एम्स्टर्डम में इजरायली फुटबॉल प्रशंसकों पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने इस घटना को बेहद यहूदी विरोधी बताया। शूफ ने कहा कि उन्हें बेहद शर्मिंदगी है कि 2024 में नीदरलैंड में ऐसी घटना हो सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यहूदी विरोधी हमले घृणित है। ये इतिहास के उन काले क्षणों की याद दिलाते हैं जब यहूदियों पर अत्याचार किया गया था। उन्होंने कहा कि हम इजरायली और डच अधिकारियों के संपर्क में हैं। प्रदूषण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान में प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है। पंजाब राज्य के इलाकों में धुंध के चलते स्थिति बिगड़ रही है। मुल्तान शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 2000 के पार पहुंच गया। इसके चलते पंजाब राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। साथ ही राज्य के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य में 17 नवंबर तक पार्क और संग्रहालय बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बाजारों को जल्द बंद करने और लोगों को फेस मास्क लगाने के लिए कहा गया है। पेंसिल्वेनिया से एक खबर सामने आई है। दरअसल पेंसिल्वेनिया के एक अपार्टमेंट में एक युवक ने गोलियां चलाई। इसमें 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों का पीछा किया। पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय रिकी शैनन ने पिकअप ट्रक से पुलिस पर गोलियां चलाई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही ट्रक में 19 साल की युवती भी मिली है।